जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हमला, नागरिकों की भीड़ पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, 10 घायल। मुंबई में आर्य कॉलोनी में मेट्रो के लिए 2700 पेड़ काटने पर विरोध बढ़ा, हिरासत में ली गई प्रियंका चतुर्वेदी। पीएमसी घोटाले में ईडी ने जब्त की एचडीआईएल मालिक की 12 कारें, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लापता निदेशक भी गिरफ्तार। लखनऊ से दिल्ली के बीच शुरू हुई देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब का फर्स्ट लुक जारी, खिलाड़ी कुमार बोले कंफर्ट जोन के बाद ही जिंदगी शुरू होती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है। यहां डीसी दफ्तर के बाहर नागरिकों की भीड़ पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका है। हमले में 10 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों में एक ट्रैफिक पुलिस का जवान और एक पत्रकार भी शामिल है। पुलिस की तरफ से हमलावर आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि अनंतनाग में कड़ी सुरक्षा वाले परिसर के बाहर सुरक्षा गश्ती दल पर सुबह करीब 11 बजे ग्रेनेड फेंका गया। उन्होंने बताया कि ग्रेनेड का निशाना चूक जाने के कारण वो सड़क के पास ही फट गया, जिससे वहां गुजर रहे करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मुंबई के गोरे गांव में आर्य कॉलोनी में 2700 पेड़ काटने पर विरोध बढ़ता जा रहा है। मुंबई मेट्रो के लिए कार शेड बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आर्य कॉलोनी के जंगल के 2702 पेड़ काटने के आदेश दे दिए हैं। कल इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेड़ काटने के आदेश के खिलाफ दायर हुई सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। अब इलाके में धारा 144 लगाकर पेड़ों की कटाई शुरू की गई है। इसका विरोध करने पर शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी को हिरासत में ले लिया गया है। ईडी ने 4355 करोड़ रुपए के पंजाब महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके एचडीआईएल के मालिक की 12 महंगी कारों को जब्त कर लिया गया है। इसमें 2 रॉयल्स रॉयस, 2 रेंज रोवर और 1 बेंटली शामिल है। मुंबई के 6 स्थानों पर छापे के बाद एचडीआईएल के चेयरमैन राकेश वाधवान और उनके बेटे सारंग वाधवान की ये कारें जब्त की गई हैं। इस बीच ईडी ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लापता प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस को भी गिरफ्तार किया है। देश की कॉरपोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के लिए अब इंतजार खत्म हो गया है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को लखनऊ जंक्शन से यूपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ के बीच चलेगी। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का संचालन, टिकटिंग का सारा जिम्मा IRCTC के पास है। तेजस एक्सप्रेस में लखनऊ से नई दिल्ली की टिकट की कीमत एसी चेयर कार के लिए 1125 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2310 रुपए होगी। लखनऊ से कानपुर के लिए एसी चेयर कार का टिकट 300 रुपए का होगा। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी अगली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। नवरात्रि के खास मौके पर अक्षय ने अपनी इस मच अवेटेड फिल्म का लुक फैंस के साथ साझा किया। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में अक्षय कुमार काफी गुस्से में और गंभीर नजर आ रहे हैं। तस्वीर में अक्षय कुमार दुर्गा मंदिर में लाल रंग की साड़ी में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की ये फिल्म सुपरहिट तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म मुनी 2 और कंचना की रीमेक है, जो राघव के इर्द गिर्द घूमती है। राघव एक बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है, जिस पर एक ट्रांसजेंडर महिला का भूत सवार हो जाता है। राघव के जरिए उस ट्रांसजेंडर औरत की आत्मा उन लोगों को बदला लेती है जिन्होंने जीते जिसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। फिल्म में कियारा आडवाणी भी अक्षय के संग नजर आएंगी।